दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और ये बयान एक ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर दिया जो हमेशा साफ स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। दरअसल राज कपूर ऑडिटोरियम में भगवत शरण माथुर की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने राजनिवास में हुए रेप कांड को लेकर कहा कि रीवा में कर्मकांडी ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो बाहर से लाकर यहां के लोगों को कर्मकांड सिखाएंगे। वहीं जनार्दन मिश्रा ने कहा कि पिछले समय में अगर कलेक्टर को दो थप्पड़ मार दिया जाता था तो उनकी राजनीति दो वर्ष के लिए चमक जाती थी, तो इंतजार करते थे कि कब कलेक्टर मिले और उसे थप्पड़ मारे। आपको बता दें कि जनार्दन मिश्रा अक्सर अपने उल जुलूल बयानों के लिए चर्चित रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्रा ने यह विवादित बयान उस समय दिया जब मंच पर मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और बड़ी संख्या में अधिकारी और जिले के लोग उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल। और ये जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण जो तैयार हो रहे हैं उनकी श्रेष्ठता और गुणवत्ता में भारी कमी है, इसलिए दक्षिण भारत से कर्मकांडी ब्राह्मण ले आएंगे और यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पाठशाला बनाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और वो कर्मकारी ब्राह्मण अपना कर्मकांड का काम कराए जिससे इस क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को दूर किया जाए। कल्पना कर सकते हैं आप, एक संगठन मंत्री और कर्मकांडी ब्राह्मण माने कर्मकांड सत्यनारायण की कथा से लेकर के और बाकी सारे आयामों तक को करने वाले जो पंडित हैं उनकी श्रेष्ठता में कमी आ रही है, इसलिए हम ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग देंगे और फिर इस तरह से जो नीचे तक ये कर्मकांड कराने वाले और पंडित आई का काम करने वाले जो पुरोहित आई का काम करने वाले लोग हैं उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे कि सही उच्चारण सही कर्म का विधान क्या है और ये काम करें। और इसके लिए वो दुर्भाग्य ऐसा रहा जो आपके वो काम हो नहीं पाया, तो तीन उदाहरण है कि वो राजनीति से अलग हट करके और अब कर्मकांडी ब्राह्मणों को का स्तर ठीक गिर रहा है। सत्यनारायण की कथा जो पंडित जी कराते हैं उनका वो सही उच्चारण सही विधि नहीं हो रही, विवाह पद्धति में सही विवाह पद्धति का उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें सही ढंग से विवाह नहीं कराया जा रहा है। इसकी चिंता करने वाला कौन है समाज में, कितने लोग कर रहे हैं? धार्मिक क्षेत्र की बात करते हैं, धार्मिक क्षेत्र जो इस काम को करने वाले लोग हैं उस क्षेत्र में भी काम अनुसंधान हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति और इस तरह की सोच रहा है शादी विवाह शादी की जो का विधान है उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। सत्यनारायण की कथा जिस तरह से पंडित सुना रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, इसलिए हमको कर्मकांडी ब्राह्मणों की श्रृंखला तैयार करना। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने तो उन्हें बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उद्धव की किस्मत आदमी था और हम लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेता की भी दो साल की नेता की भी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा है, ये हम लोगों का मैं काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से थोक भिजवा दीजिए। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने तो उन्हें बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उद्धव की किस्मत आदमी था और हम लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेता की भी दो साल की नेता की भी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा है, ये हम लोगों का मैं काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से थोक भिजवा दीजिए, इतना है उपयोग नहीं करना, इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है लेकिन अब किसी कलेक्टर को मारना नहीं, एक फंस गया हाल हाथी पहचान तीन बसें फंसी थी वो 2003 का चुनाव हुआ
माथुरा चले गए, शंकर मंदिर नहीं थे, पंचायत का चुनाव था। अब वो ऐसा जगह फंसा कि हमको लगा कि वो केशव पांडे जी हमारे अध्यक्ष थे, तो लगा कि अब पुराना शुरू हो जाएगा। करीब करीब शुरू हो चुका था, हम खड़े हो गए थे, वो भी खड़ा हो गया था, हमारा हाथ इस तरह से। तो फिर पांडे जी का टेलीफोन आया, फिर पांडे जी ने माधुर साहब को लगता है कहा होगा, तो माधुर साहब का टेलीफोन आया, प्रभारी मंत्री का टेलीफोन आया, वो उमा संघ गुप्ता था। तो माधुर साहब ने कहा कि तुमने अभी शुरू बंद जो ट्रेनिंग लिया था वो खत्म कर दिया क्या, बंद नहीं खत्म किए देते हैं। तो इस तरह से हमको तराशने में, मैं भाजपा का रीत नीत और उसकी कार्य पद्धति में ढलू और जो ढल पाया उसका अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में दो महापुरुषों का, एक यमुना प्रसाद शास्त्री जिनके सानिध्य में रहे थे, मैंने उच्च आदर्शों पर जीवन जीने का वो प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो प्रभाव जीवन में आज तक है। कभी वो इसमें गिरावट आई है, मैं तो उसको स्वीकार करता हूँ कि आज की परिस्थिति, अब आज जो शास्त्री जी जैसी निर्मलता मुझमें नहीं, गिरावट आई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उस विचारधारा को आगे बढ़ा कर बढ़ते हुए राजनीति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।